नमस्कार, मैं हूँ हिबा नवाब, यानी कि आपकी प्यारी इलायची फ्रॉम जीजा जी छत पर है। आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। माया लगा दी रे, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ने अभी बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। आशा करता हूँ आप सभी को इस तरह का जो है ईश्वर का माया लग जाए, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो सकती हैं। तो चलिए इस भजन के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे इस शो में नई किरण में दो खास मेहमान उपस्थित हैं, उनसे बातें करते हैं। एक सिक्किम से आए हुए हैं और एक कोलकाता से आए हुए हैं, तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और नई किरण कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहले सिक्किम से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को। बहुत दूर से आए हैं इसलिए, और बहुत समय के बाद आए हैं। शायद आपने इनको पहले भी सुना है, हम लोग बहुत सारे रेडियो पे कॉन्सर्ट किए थे, शायद आपको याद हो। और हमारे जन्मदिवस के पहले उन्होंने वो सारी चीज़ें की थी और फिर जन्मदिन पे आप सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी किया था हमने। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। और मधुलिका जी, मधुलिका जी नहीं है। सिक्किम के नामों के साथ आप नहीं है। हाँ, इसीलिए उनका नाम डिकिला डोलकर हमारे बीच में है। एक शिक्षिका हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज इस रेडियो मधुबन के द्वारा आपके साथ जुड़ी हूँ। आप जैसे आप मुझे देख नहीं सकते होंगे, लेकिन मेरी आवाज से आप जरूर रूबरू हो रहे हैं। मैं इतनी दूर हिमालय की गोद से आई हूं। और मैं चाहूंगा कि यहाँ जो अभी मौसम है और वहाँ का मौसम के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, यहाँ का मौसम तो अभी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ पे वहाँ पे थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी ठंडी है। यहाँ से हमारी गर्मी भी इतनी गर्मी नहीं होती, हमें थोड़ा गर्म लग रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, मैनेजेबल है। मैनेजेबल है, इतने पसीने नहीं आ रहे। अच्छा, जो आपने प्रोग्राम यहाँ पर अटेंड किया है, जो LOCY जो है विशेष रूप से, जिसमें युवा साथियों को खास करके बुलाया गया था देश अलग अलग जगह से, और खास ये कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी और क्या सीख के जा रहे हैं यहाँ से? यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे आके तो पहले अपने को, तो मैं अपने को लकी समझती हूँ कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में आई। जी, अपनी जगह पे तो हम लोग बड़े शेर होके घूमते हैं। हाँ, ये हाँ, आता हाँ, है वो आता है, है। लेकिन जब यहाँ आके पहुंचे तो भीगी बिल्ली बन गए। इतना सारा कुछ होता है दुनिया भर में, हमें कुछ मालूम कुछ मालूम नहीं। लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि बहुत कुछ आया, हम लोग बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। जैसे एक तो हम बोलते हैं कि रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, तीन बातें तो हम लोग सब जानते हैं, सुनते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन इन तीनों से भी बढ़कर और एक बात सीखी, वो थी रिफ्यूज। अब रिफ्यूज हमें नहीं लेना है, जो है हमारे पास वो नहीं लेना है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ये कपड़े लेते, अच्छा लगा ले लिया, कलेक्शन करते हैं, जूते ले लिए, कुछ जरूरी नहीं होता है फिर भी ले लेते हैं। तो ये बातें हम लोग ने बहुत अच्छी तरह सीखी कि हमें रिफ्यूज करना है। पैसे की बचत भी हो जाती है, इन्वायरमेंट प्रकृति की को सेव भी कर लेते हैं। तो ये दोनों, ये बात ने मुझे बहुत छू लिया। क्या बात है, क्या बात। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये बात कहीं ना कहीं पसंद भी आ गया होगा, क्योंकि हर बार हम लोग जैसे हर फेस्टिवल दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी करते रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है हम लोग नए चीज़ों की वजह से नए ले रहे हैं, ऐसे करके ले लेते हैं, लेकिन पुराने भी आपके ख़राब नहीं हुए, फटे नहीं हैं, तो क्यों नए ले रहे हो? यानी कहने का भाव ये है कि आप नई चीज़ों को ले रहे हो, ज़रूरत हो और आपके पास नहीं है तो जरूर ले, लेकिन अगर आपके पास है तो उसको रिफ्यूज कीजिए, और जिनके पास अगर आपको लेना ही है तो रिप्लेस कीजिए, जिनके पास नहीं है उनको दान भी दीजिए, तो और अच्छा होगा, है ना? तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया। और अब मैं आपको सीधे कोलकाता ले चलूंगा सिक्किम के बाद। बहुत हमारा अगला राज्य पास वाला राज्य जो है कोलकाता से हमारे बीच में एक मेहमान आए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम ट्विंकल वैद्य है जी। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता, बेसिकली रानीगंज से हूँ प्रॉपर अगर देखा जाए तो। और मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अच्छा। और बहुत टाइम से एक्चुअली मन था माउंट आबू आने, ओम शांति, मतलब ब्रह्मा कुमारी का इतना बड़ा जो संस्था है वहाँ पे कुछ समय बिताने का। जी जी, जो LOCY के वजह से एक्चुअली बहुत अच्छा चांस मिला यहाँ पे आने का, रहने का, एक्सपीरियंस करने का, यहाँ का माहौल एक्चुअली जो इतना प्योर, इतना
पॉजिटिव है जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। और मैं वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको LOCY इस कॉन्फ्रेंस जो 15 हुआ था उसमें आपने कौन कौन सी बातें सीखने को मिला या कुछ चीज़ें आप बताएं। पहले तो मैं डिक्लेयर जी से टोटली अग्री करती हूँ, जो रिड्यूस रिफ्यूज रीयूज रिसाइकल ये वाला जो चीज़ था जी जी जी, ये एक्चुअली हम लोग सब करते हैं लेकिन एक होता है कि हम लोग बहुत कॉन्शियस होके कर रहे हैं कि हम लोग, तो हम में से बहुत जने जो रिफ्यूज भी करते हैं बट वो पता नहीं था कि हम लोग रिफ्यूज कर रहे हैं और ये हमारा एनवायरनमेंट को सहयोग कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा चीज मिला कि हम लोग अब कुछ भी करेंगे तो हम लोग वो कॉन्शियस होके कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे अपने बोलते कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है चलो पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, अब कई लोग होते एक पेड़ लगाते एक जन और 15 लोग आके खड़े हो जाते फोटो क्लिक करने के लिए और वो पेड़ जी रहा है मर रहा है उसका देखभाल नहीं हो रहा, उसका कोई ठिकाना नहीं है, बस लगा रहे फोटो क्लिक कर रहे और वाह ही बटोर रहे, तो वो एक्चुअली काम नहीं करेगा। और क्या एक्चुअली वो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रकृति को किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है जी, 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 जी। उसको किस तरीके से प्रिजर्व कर रहा है, उसका बहुत वास्ट और बहुत ही ब्रॉडर वे में हम लोगों को ये चीज़ जानने को यहाँ पे मिल रहा है। और एक चीज़ जान के मुझे एक्चुअली बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं UN बॉडी से किसी भी वे में कनेक्ट हो रही हूँ, अपना पूरा हमारे पूरा जो पूरा वर्ल्ड जो है हम लोग किसी तरह से उसका सहयोग कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली सोच के बहुत प्राउड फील होता है। ओके ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया टिंकल, मुझे लगता है कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तो हम लोग जिस घर में रहते हैं उसके इंटीरियर की बात हम लोग सोचते हैं लेकिन हमें अंदर मन की बात भी सोचना पड़ेगा कि हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं उसको भी डिज़ाइन करें, उसको भी सुंदर बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं। सवेरे उठ के अगर एक काम करें तो हम अपने विचारों को बहुत ही सुंदर ढंग से अगर सुचारू रूप से चैनलाइज कर ले कि मैं आज सबके साथ मुस्कुराते हुए बात करूंगी और सबके साथ नम्र होकर बात करूंगी और सबको सही चीज़ देने की कोशिश करूंगी और मेरी तरफ से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, इसका अगर हम लोग विचार कर ले, इसका एक डिज़ाइन बना ले अंदर से विचारों का और सबके प्रति प्यार देने की भावना रखें तो कितना अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। टिंकल और जी किला जी से फिर मैं जोड़ना चाहूँगा थोड़ी देर में, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। और डी किला जी आपको हिंदी गाने पसंद हैं क्या, वहाँ पर सुनते हैं हिंदी गाने? हिंदी गाने हम सबको पसंद है, भारत में रह के हिंदी गाने नहीं सुने तो मजा क्या। तो कौन सा एक गीत आपको बहुत अच्छा लगता है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? कोई पुराना सा किशोर कुमार का गीत लगा दीजिए। किशोर दा का कौन सा एक गीत जो आपको याद आ रहा है? किशोर कुमार का कोई भी गीत बताइए जो आपको पसंद है जी। तो चलिए किशोरदा का बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग सुनेंगे अभी दिकला जी के लिए और टिंकल जी के लिए। थैंक यू। और हमारे बीच में कॉलर आ रहे हैं, हेलो जी नमस्कार। नमस्कार रमेश भाई, टिंकल जी को मेरा नमस्ते सलाम। नमस्ते जी, नमस्ते। और दिकला जी भी है साथ में। आपको नमस्ते दिकिला की तरफ से। नमस्कार जी जी जी, उनकी बातें सुन के मतलब सही लगा, सही लगा ना। तो इसमें से कौन सी बात आप सोच रहे हैं कि आज से करने वाले हैं? हाँ ये तो करना ही चाहिए, तो आपको मेरी कौन सी बात इतनी अच्छी लगी जो आप सोच रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए? नहीं नहीं, जो आपने बात करी है ना वो सही बात करी है दिकला जी, क्योंकि आप सिक्किम पे रहने वाले हो, बहुत दूर यहाँ से करीबन 1000 किलोमीटर दूर था। जी जी जी, बहुत दूर है लेकिन दिल के बहुत पास है, रास्ते से बहुत दूर है। काम करना चाहिए जी 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 जी। ओके रसिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में। बहुत सारी दुआएं, मंगल कामनाएं। और डिकला जी ने जैसे रिफ्यूज़ की बात बताई और टिंकल जी ने पेड़ लगा के जो फोटो निकाल रहे हैं वैसी बातें ना हो कि पेड़ लगाने के बाद उसकी पालना करें, ये इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, निकालते क्या? हाँ वो कोई मतलब का नहीं रहता। और कोशिश करें कि प्लीज आप लोग सब ऑर्गेनिक वे में ही सारा काम करें जी जी, विद पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स। ओके रसिक भाई, थैंक यू सो मच, नमस्ते नमस्ते। और चलिए दिकिला और ट्विंकल के लिए ये खूबसूरत सा किशोरदा का गाना सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। Thank you.
प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर खजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर खजी लाख चुराए कोई सनम से। जी जी, ये तो हमने भी देखा है कि जिन बंगाली लोगों ने जैसे उन लोग अपने कल्चर को संभाल के रखा है ना, ये बहुत कम लोगों ने किया। जी सही बात है, सही बात। और एक ये भी बताते हैं कि हर घर में संगीत तो है ही है, और उनके जो टोन है जब वो यहाँ आ जाते हैं किसी और शहर में आते हैं तो हमारे घर में भोजन है आ जाओ। तो ऐसे उन्होंने बाजू वाले के अपने सोसाइटी में बोल दिया, तो सोसाइटी वाले बोले तो बड़ी अच्छी बात है, तो कब है? बोले शाम को आ जाना 6 बजे, 6 से 7 हमारा है कार्यक्रम, उसमें जरूर आइएगा। तो सब लोग खुश हो गए, भाई हमको खाने को मिलेगा, चले गए उधर भोजन। तो वो बंगाली सर ने तो म्यूजिक शुरू कर दिया और उनको लगा कि चलो प्रार्थना या भजन के बाद शायद भोजन होगा। तो भोजन शुरू कर दीजिए, बोले शुरू कर दिया, सब ताली वाली बजाना, भजन चलता रहा, 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, अब भोजन आ ही नहीं रहा है, तो सारे लोग परेशान हैं। हाँ भजन करिए करिए। हर हिंदी वर्ड में उनके साथ एक और लग जाता है, तो वो भजन भोजन हो जाता है। तो वो बेचारे सारे सोसाइटी वाले परेशान हो गए। और किसी ज्ञानी आत्मा ने बोला कि ये भजन को भोजन बोलते हैं, इसलिए आप अपने घर में ही भोजन करिए। तो ये बात थी, अच्छी बात है। लेकिन बंगाली लैंग्वेज भी बहुत स्वीट है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मधुर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच में एक और कॉलर जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार। मदन लाल जी, स्वागत है, कैसे हैं आप? जी जी जी, और सिक्किम से भी हमारे बीच में मेहमान आए हैं। जी सिक्किम से भी आए हैं। हेलो। जी 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 जी, अरे गुनगुनाना भी शुरू कर दिया।
धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। चलिए आई आई इस विशेष खुशी में और शामिल करते हैं सिक्किम के दिकलाद जी को, और उनका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। और सिक्किम की कुछ यूनिक चीज़ें बताइए हमें, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, वहाँ लोग क्या पसंद करते हैं, क्या करते हैं। हम लोग की सिक्किम की बात करें तो है तो भारत, जी जी जी, मेरा भारत महान। लेकिन वहाँ का जो रहन सहन है काफी अलग है हम लोग का, जैसे साफ सफाई हो, प्रकृति के प्रति हो, बहुत जागरूक है हम लोग के वहाँ पे कोई ऐसे धूम्रपान करके घूम नहीं सकता, उसके उसको स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे प्लास्टिक फेंकना, प्लास्टिक की बातें, लाइक सब लोग जैसे हम लोग बोले ना, पूरा सूखा कचरा गीला कचरा अलग, वैसा सब कुछ करते हैं हम लोग, प्रकृति के कितना हद तक बचा सकते हैं वैसा सब कुछ करते हैं। कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं, कुदरत की खूबसूरती को बनाए रखते हैं स्वच्छता के साथ। जी जी जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते। हम लोगों ने रसगुल्ला की बात की। रसगुल्ले की बात हो रही है रसिक भाई। अच्छा। चलिए जरूर भेजेंगे ट्विंकल जी, आप पहुंचने तो दो उनको वहां। ओके रसिक भाई। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा। जी जी जी, शुक्रिया। ओके, नमस्ते नमस्ते, आपको भी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार आज के दिन के लिए। और ये सिक्किम की बातें हो रही थी, यहाँ पर कुदरत के साथ जो है समन्वय, एक प्यार, एक दोस्ताना व्यवहार होता है, और साथ ही साथ स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ सिक्किम हमारा भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में कमाल है, यूनिकनेस प्रेजेंट करता है, जहाँ पर जैविक खेती को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में उसको घोषित किया सिक्किम को। जी जय राम, जय राम जी, स्वागत है जी। धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी जी, डिकिला जी, डिकिला जी सिक्किम से हैं और ट्विंकल जी कोलकाता से हैं। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी जी जी, जानता हूँ मैं। अच्छा 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 जी जी, ओके जी जी जी, ओम शांति। थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो चलिए निखिला जी एंड ट्विंकल जी को बहुत सारी शुभकामनाएं रेडियो मधुबन की ओर से, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, और अपने जीवन में जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर खुशियां ही खुशियां बांटते रहें और आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहें। जी ट्विंकल जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसा कि डिकिला जी ने बताया कि सिक्किम में पोल्यूशन नहीं के बराबर है। जी जी, वो तो है जी, बिल्कुल। मैं बोलना चाहूंगी कि पूरे देश को एक्चुअली सिक्किम से सीखना चाहिए, बहुत सीख लेना चाहिए। और प्लीज आप लोग पानी को बचाइए, कोशिश करिए कि सॉइल को बर्बाद ना करें, कोशिश करिए अच्छे अच्छे पेड़ लगाए, कि बारिश हो, सूखा ना पड़े। किसानों को मदद कीजिए कि उनको लास्ट में मजबूरी में आके सुसाइड का ऑप्शन ना लेना पड़े। जी 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 जी। हाँ जी नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। डिकिला। डिकिला जी। जी जी जी, सुनाइए। जी 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 जी, वो तो है। सही बात। जी जी
धन्यवाद। जी गुजरात तो बहुत अच्छा है। जी 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 वक्त लगेगा। आप लोग थोड़े बड़े हैं, हम लोग थोड़े छोटे हैं, लेकिन इसीलिए जो कोई भी कानून लागू करने में हम लोग जल्दी लागू हो जाता है। जी हम लोग बहुत सिर्फ कम बहुत कम है, 6 लाख है, इसीलिए 6 लाख लोग जल्दी मान जाते हैं। जी धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ओम शांति। सुरेश जी थैंक यू सो मच, बहुत सारी खुशियां आपको आज के दिन की, मंगल कामनाएं और अच्छी बातें आपने बताया। और सिक्किम की बात ट्विंकल जी ने छेड़ ही दिया और उससे सब कुछ, यानी वहाँ पर जो चीज़ें हैं उससे हमको सीख मिलती है और हमें सभी को सीख लेना चाहिए और अपने अपने प्रदेश में अपने अपने देश में हमें इसे लागू करना चाहिए, कुदरत से प्रेम करना चाहिए और पर्यावरण जो हमारा पोल्यूशन होते जा रहा है उसे बचाने के लिए हमें यहाँ से सीख जरूर मिलती है और लेनी भी चाहिए। जी। और मुझे लगता है कि पूरे ही देश को हम लोग नहीं बचा सकते लेकिन कंट्रीब्यूशन हमारा इंडिविजुअली होता है। जी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी इस चीज से जो मैंने एक्चुअली कल फील किया। हाँ। जैसे एल्कोए है वो यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जो अब पूरा देश तो यूनाइटेड नेशंस में जा नहीं सकता। जी। सिर्फ एक कोई इंसान जाके रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंडिया हूँ। तो जैसे वो हम लोग यहाँ पर है, हम लोग एक एक स्टेट से आए, तो जैसे मैं कोलकाता हूँ, ये सिक्किम है, तो मैं वही बोलना चाहूंगा। अब रानीगंज मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो वहाँ की एक लोकेलिटी से, तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग आए हैं या आसपास जो भी लिसनर्स हैं यहाँ पे, वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग छोटा छोटा एक मीटिंग्स होल्ड किया करें हर महीने, जितना हो सके अपने तरफ से 100% दे नेचर को, क्योंकि नेचर को इंसान की जरूरत नहीं है, इंसान को नेचर की जरूरत है। वो तो सच बात है, सच बात है। तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप लोग छोटे छोटे जगह में कुछ कुछ लोग जा करके मीटिंग्स होल्ड करें, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी नेचर सही होगा और आप भी उसी के वजह से सही रह पाएंगे, तभी आप जी पाएंगे। जी, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ट्विंकल जी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा आपने मैसेज कोट किया और सिक्किम से हमें सीखना ही है। दिकिला जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत खुशी आप सभी को। तो इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने बातें की कुदरत की, तो कुदरत के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत याद आ रहा है मुझे, ये गीत सुनते हैं उसके बाद फिर बातें हैं। जी धन्यवाद। पंछी कोई सरहद ना इन्हें रोके, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। Thank you.
जो मिलते तो कुछ ऐसा होता। कोई सरहद ना।